पाटी महाविद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्र के महानायक और गुमनायक नायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित। मानवीय संवेदना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर निकुंज पाटी शासकीय महाविद्यालय पाटी में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत राष्ट्र के महानायक और गुमनायक नायकों के सम्मान का कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर एमएल वर्मा तथा विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर रामसाह यादव उपस्थित रहे। डॉक्टर निकुंज वर्मा ने जन योद्धा भीमा नायक नामक पुस्तक का लेखन किया है। साथ ही वे प्रसिद्ध शिक्षाविद, इतिहासकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, कहानीकार और समाज वैज्ञानिक है। डॉक्टर निकुंज ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में संघर्ष से घबराना नहीं, निरंतर आगे बढ़ना। मानवीय संवेदनाएं आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भीमा नायक हमारे क्षेत्र के लोक नायक है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर समाज को एकजुट किया है। वे हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। कार्यक्रम में डॉक्टर रामसाह यादव ने स्वतंत्र आंदोलन में अपना जीवन समर्पित करने वाले अनेक योद्धा है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया है, वह हमारे लिए पूजनीय है। उन्हें स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और भीमा नायक के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर की गई। साथ ही जरा याद करो कुर्बानी गीत छात्राओं ने गाया। संस्था के प्राचार्य डॉक्टर प्रवेश मोहन ने अतिथियों का स्वागत और विस्तृत परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल पाटिल ने किया। आभार प्रोफेसर अंजू बाला यादव ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर चेतन शर्मा, डॉक्टर नारायण पाटीदार, प्रोफेसर मुकेश गिरासे, प्रोफेसर राजू अंसारी उपस्थित थे। साथ ही महाविद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर भीमा नायक के चित्रों पर पुष्प अर्जित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका स्मरण कर उनके योगदान को याद किया। देखो मेरी अपनी जितनी समझ है या जो मैंने अपना अध्ययन किया है, रिसर्च की है, उस हिसाब से मुझे जो बतलाना था बता दिया। क्या है कि बच्चों को उतना ही ज्ञान दो जितना वो ग्रहण कर सके। बहुत सारी गंभीर बातें हैं भीमा नायक के बारे में, क्योंकि भीमा नायक के ऊपर तो बहुत मोटा ग्रंथ निकाल जाए, लेकिन बच्चों को उतना ही पिलाओ दूध जितना वो हजम कर सके। भीमा नायक तो हमारे देश के बहुत बड़े महानायक थे, आजादी दिलवाने के, और ये हमारे मतलब भरवानी जिले का सौभाग्य है कि उनका जन्म जो है यही हुआ था। सिलावट के पास में जो गड़ी है वहाँ उनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इस कॉलेज को सजाने संवारने में हमारे प्राचार्य मोहम्मद परवेज साहब का बड़ा योगदान है, क्योंकि प्राचार्य तो बहुत होते हैं लेकिन जिनके अंदर अभिनव लालसा होती है, नई लालसा होती है, वो किसी भी छोटी सी चीज़ को विशाल रूप में भव्य मंदिर बना देते हैं। तो मेरे को तो आज लगा कि पाटी महाविद्यालय एक मंदिर हो गया है ना। इसका योगदान हमारे परवेज साहब का है और इनकी सोच को मैं मार्क करता हूँ कि भीमा नायक के 75वीं जो बरसी मना रहे हैं। सर आपके द्वारा अन्य कोई पुस्तकें भी लिखी गई हैं? कि मेरे द्वारा करीब करीब 15 किताबें लिखी गई हैं, लेकिन 3 किताबें छपी हैं, 11 किताबें मेरी कुल छप चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से 5-6 पुस्तकें, 3 उपन्यास तो मेरे बहुत चर्चित हैं।